ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और ये भी ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, बशर्ते कि अगर आपने क्वेश्चन ऑफ द डे का आज के सवाल का रेगुलरली शुरू से आज तक हमेशा जवाब दिया है, रेगुलरली बेहतर तरीके से जवाब दिया है, चाहे आप एक नंबर पे हो, दो नंबर पे हो, 20 नंबर पे हो, 100 नंबर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रेगुलरली जवाब दिया है, वीडियो को रेगुलरली देखे हैं, एमिंग हाई की वीडियो को और सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से देखे हैं, तो ये ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। दोस्तों हम बना रहे हैं वीडियो क्योंकि आपसे करनी है फेस टू फेस दो चार बातें, ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्यूब ने कम्युनिटी टैब तो हमें दिया नहीं है कि वहां कुछ भी लिख कर पोस्ट कर दे और आपसे रूबरू बात कर सके। वैसे तो सब्सक्राइबर 20,000 से ज्यादा क्या 22,000 हो गया, फिर भी यूट्यूब ने कम्युनिटी टैब नहीं दिया है और ऐसे बनाना पड़ रहा है मुझे वीडियो ताकि मैं आपसे दो चार बातें कर सकूं। तो आते हैं सबसे पहली बात पे। सबसे पहली बात यह है कि कल जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनका फिजिक्स का एग्जाम है और इस फिजिक्स के एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा करें इसी और उसमें मेरा भी एक बहुत योगदान हो, बहुत सपोर्ट हो, इसलिए आज शाम में हम 6:15 से मैं कह रहा हूं आज शाम में मैं 6:15 से लाइव आऊंगा ताकि आप लोगों से बहुत बेहतर तरीके से बात कर सकूं और बात क्या करना है बिल्कुल फिजिक्स को शुरू से पूरा का पूरा रिवीजन करवा सकूं, पूरा बढ़िया से अच्छी तरीके से आप लोगों को फिजिक्स के मामले में मजबूत करा सकूं। इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उस लाइव को देख सकते हैं और पूरे 4-5 घंटा लाइव रहेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लाइव पूरे 4-5 घंटा रहेंगे उसके लिए भी चिंता बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से आएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा पार्ट 1 पूरा पार्ट 2 पूरे के पूरे फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को रिवाइज कर सकूं ताकि स्टूडेंट शक्ति हमेशा जिंदाबाद बना रहे। आते हैं दूसरे बात पे और दूसरा बात यह है कि देखते देखते इंतजार का घड़ी हो गया खत्म। आप लोगों से मैंने जैसा वादा किया था कि आप लोगों को मैं जो भी बच्चे लगातार यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन डे का, उन्हें कुछ प्राइज दूंगा, उन्हें कुछ गिफ्ट दूंगा ताकि उनके पढ़ाई को और मजबूत बनाया जा सके और स्ट्रांग पढ़ाई को बनाया जा सके, वो पढ़ने के मामले में और भी मजबूत हो सके, उनके अंदर का जो उल्लास है ना स्टूडेंट का, कहता ना स्टूडेंट शक्ति का अंदर का उल्लास, वो उनका मजबूत रह सके। इसलिए आप लोगों को बस उत्साह को बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ये, मैं जो यहां पे रखा हुआ है ये ट्रॉफीज आप ट्रॉफी यहां देख सकते हैं, एक ट्रॉफी यहां देख सकते हैं, ये सब दो ट्रॉफी आप लोगों के लिए है और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रॉफी किनको किनको मिलने वाला, लेकिन उससे पहले ये ट्रॉफी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अबर से आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, अंदर से जुनून बढ़ाने के लिए, अंदर से स्टूडेंट शक्ति लाने के लिए ना मैं हर महीने आप लोगों को गिफ्ट दिया करूंगा, ट्रॉफी दिया करूंगा, मेडल दिया करूंगा, इसके साथ मेडल्स वगैरह सब मिलेगा वो नहीं सोचना है, मेडल दिया करूंगा, ट्रॉफी दिया करूंगा, सबके सब चीज दिया करूंगा ताकि आप लोग पढ़ने के मामले में जो स्टूडेंट शक्ति या प्रिय पुरी के स्टूडेंट का जो पढ़ाई के से रुझान कमते जा रहा है वो मजबूत बन सके हर महीने। और किस तरीके से मिलेगा मैं वो बता दूं, देखिए किस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले तो मैं हर दिन क्वेश्चन डे जो पूछता था, आज का सवाल जो मैं पूछता था, मैं सब दिन पूछूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा और जो बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे उस हिसाब से उनको नंबर मिलेगा, उस हिसाब से उनका रैंक मिलेगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इस हिसाब से उनका रैंक बनेगा और रैंक बनते 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 हर महीने के लास्ट में 28 तारीख को, मैं कह रहा हूं एवरी मंथ में 28 तारीख को रैंक के हिसाब से उन्हें गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें ट्रॉफी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि नहीं हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और ये और सिंपल सी बात है, समझ लीजिए पहले कि ट्रॉफी कोई बड़ा चीज नहीं है, ये ट्रॉफी तो बहुत छोटा सा चीज, हम चिटकनी सा चीज है, छोटा सा, आपका टैलेंट सबसे बड़ी बात है, आप जो अपने अंदर नॉलेजेबल हो ना, मजबूत स्टूडेंट बन के रखे हो, बहुत दिनों तक आपने हार्डवर्क किया है, बहुत दिनों तक आपने परिश्रम किया है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो निखारने के लिए ताकि आपको पता चले तो उनको ट्रॉफी दिया जाएगा सबसे पहले रैंक के हिसाब से, और एक जो सेकेंड ट्रॉफी होगा वो उन लकी स्टूडेंट को मिलेगा, उस लकी को जो पहले वो चाहे वो 1 रैंक में हो, 2 रैंक में हो, 5 रैंक में हो, 10 रैंक में हो, 50 रैंक में हो, 500 रैंक में हो, 1000 रैंक में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड ट्रॉफी उस लकी स्टूडेंट को मिलेगा जिसे मैं खुद चुनूंगा और मैं देखूंगा कि इनका कितना परफॉर्मेंस है इस यूट्यूब चैनल के प्रति। भले ही वो जवाब मान लीजिए पहले रैंक में नहीं दे पाए, फर्स्ट में नहीं दे पाए, 10 नंबर में दिए, 10 नंबर में नहीं दे पाए, 20 नंबर में दिए, 20 नंबर में नहीं दे पाए, 100 नंबर में दिए, लेकिन वो लगातार जवाब देते जा रहे हैं, लगातार जो लगातार जवाब देते जाएंगे उन लकी स्टूडेंट को उनको मैं चुनूंगा और हर महीने आप लोगों के घर ये ट्रॉफी पहुंच जाएगा एमिंग हाई की तरफ से, मेरे तरफ से, ताकि स्टूडेंट शक्ति को मजबूत बनाया जा सके। और सिंपल से वही बोलूं कि ट्रॉफी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं भाई, अगर किसी चीज का वैल्यू है, अगर किसी चीज का वैल्यू है तो वो है आपका नॉलेज, वो है आपका ज्ञान, वो है आपका टैलेंट। और रही बात ये ट्रॉफी किनको किनको मिलने वाला है, तो जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों का है एग्जाम, और अगर ऐसे में मैं अभी नाम बता देता हूं आप लोगों को कि किनको मिलने वाला है, तो हमको पता है कि जो नाम सुनेंगे वो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे बढ़िया, तो वही
इतना एक्साइटेड हो जाएंगे ना कि एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। ट्रॉफी है, मेडल है, कुछ गिफ्ट भी इसके साथ रहेगा, साथ साथ में एक सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिलेगा। तो ये सारा का सारा चीज जो भी मिलना है आप लोगों को मिलेगा बढ़िया से, लेकिन एग्जाम के बाद। इसलिए आप लोगों का एग्जाम जब होगा तो मैं, और उसके बाद एक चीज और कि इसका जो नाम है, ये ट्रॉफी किनको मिलेगा वो नाम है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को टेलीग्राम से। टेलीग्राम जो होता है आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके बताऊंगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आप लोगों को यह 17 तारीख को बताऊंगा, मैं कह रहा हूं 17 तारीख को मैं बताऊंगा, या रेगुलरली विजिट की तरह ये चैनल को मैं बताऊंगा कि कब होगा नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग दिल ला के पढ़ते रहिए, मन ला के पढ़ते रहिए। ये छोटा सा बात करना था और आप लोगों के पास ये भी मैसेज पहुंचाना था कि आज 6:15 से मैं लाइव आऊंगा, तो आप लोग उस लाइव को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मिलकर हम लोग एक तरीके से स्टूडेंट शक्ति को जिंदा कर सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर लास्ट तक बिल्कुल एकदम पढ़ेंगे। और साथ साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दे आप लोगों को कि मेरा ब्लॉग वेबसाइट पर भी बहुत सारा क्वेश्चन धीरे धीरे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको विजिट करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई का माहौल, स्टडी का माहौल बनाने का ठाना हूं, देखता हूं कितना आगे जाता है। अगर स्टूडेंट शक्ति हमेशा मिलते रहेगा तो बहुत आगे चले जाऊंगा, स्टूडेंट शक्ति अगर कम जाएगा तो मैं भी बहुत आगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर स्टूडेंट शक्ति जिंदाबाद है, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो जरूर मैं आगे जाऊंगा। तो इंतजार कीजिए उस वक्त का, पहले तो दिल लगा के मन लगा के एग्जाम दीजिए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत ये आशीर्वाद, बहुत बहुत मतलब जाइए बेस्ट ऑफ लक कि जाकर बढ़िया से एग्जाम दीजिए, अच्छा से एग्जाम दीजिए, बेस्ट तरीके से एग्जाम दीजिए, और जाकर इतना लिखिए कि मत कहा जाए, गर्दन नंबर ले आइए एग्जाम में, इतना लिखिए, एक भी कॉपी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, इस तरीके से कीजिए। और आप लोग एग्जाम देने के बाद जरूर कॉल कीजिए कि आपका एग्जाम कैसा गया, नहीं गया, कितना बेहतर गया, और मेरा मेहनत जो है वो कितना साकार हुआ, कितना आप लोगों पर जो मेहनत की वो कितना सक्सेस हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इंतजार कीजिए उस समय का, लेकिन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और हमेशा जिंदगी में हार्डवर्क कीजिए। और आज लाइव आऊंगा, रिविजन करवाऊंगा, उसे भी देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।